हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये काफ़ी फेमस भी है, अमृतसरी पिंडी छोले। और आप इस तरीके से इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जो भी इसे खाएगा वो उंगलियाँ चाटते रह जाएगा, ये इतना टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाएंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो चना। मैंने आधे किलो चने को रात भर पानी में भिगो कर रखा था 5 से 6 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से फूल गया है। तो इसके बाद हम इसे डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, बस पानी इतना होना चाहिए कि सारे जो चने हैं वो पानी में अच्छे से डूब जाएं। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ में जाएगा 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग। और इसके बाद हमें एक पोटली बनानी है। तो इस तरह से हम कोई सा भी कॉटन का क्लोथ ले लेंगे, मसलन क्लोथ, और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती। अगर आपके पास टी बैग है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसे बांध देंगे। अगर आप चाहें तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, उससे भी चने जो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। ये पोटली भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हमें इसे पकाना है 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर। और जब 3 से 4 सीटी आ जाएगी तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और सारा जब प्रेशर निकल जाएगा तो चनों को और छोलों को अलग अलग करके हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम रेडी कर लेते हैं छोले के लिए मसाला। तो इसके लिए हम बोल में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी तीखा पसंद हो। इसके बाद इसमें जाएगा 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें छोले मसाले, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे अनारदाना पाउडर। अनारदाना को मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट करके उसे कोसली ग्राइंड कर लिया है। 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे भुना जीरा पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जितने भी मसाले लिए हैं, ये मैंने 1/2 केजी चनों के हिसाब से लिया है। अगर आप कम बना रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हींग। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना लिया, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता प्याज। तो ये देखिए 3 मिनट तक मैंने प्याज को अच्छे से भूना, आप देख सकते हैं इसका कलर जो वो पहले से चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 1/2 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, और इन सबको मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले जो हमने रेडी किए थे। साथ में डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्योरी। टमाटर को मैंने सिंपली मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इन सबको मिक्स कर देंगे हम। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप नमक ध्यान से ऐड करें, क्योंकि हमने चनों में भी नमक ऐड किया था। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को एक साथ। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 6 मिनट हो गया मसालों को भूनते हुए, ये अच्छे से भून गए हैं। इसे मिक्स करेंगे एक बार हम। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चने। तो मैंने चनों को और पानी को अलग अलग करके रख दिया था, तो ये चने डालकर हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद फिर से हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर सारे मसालों को चनों के साथ। तो यहाँ पर टोटल 4 मिनट हो गए हैं, चने जो है वो मसाले के साथ अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम ले लेंगे एक मैशर इस तरह से, और इससे हल्के हल्के से हम चने को मैश कर लेंगे। इससे जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी थिक भी हो जाता है, और जब खाते टाइम थोड़े चने खड़े होते हैं, थोड़े मैश किए हुए होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इससे इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा चनों को मैश करने से।
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी जो हमने अलग करके रखा था। और अगर इसका पानी बच जाता है तो आप उसे फेंकें ना, क्योंकि जब बाद में छोले ठंडे होते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाते हैं, तो आप उस पानी को इसमें ऐड करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे फिर से एडजस्ट कर सकते हैं वो पानी को ऐड करके। तो आप उसे फेंकें ना, कवर करके यहाँ पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए इसे टोटल 5 मिनट हो गया पकते हुए मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन अभी भी पूरे डन नहीं हुए हैं। अभी हम इसका रेडी करेंगे एक तड़का, जो इस छोले की जो मेन जान है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे और इसके बाद हम तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए हम पैन में डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। इसे गर्म करेंगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे थिनली स्लाइस किए हुए जिंजर। अदरक को मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया, इसे 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा और 3 हरी मिर्च जिसमें मैंने बीच से कट लगा दिया है। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देंगे वरना मिर्च जो है वो जल सकती है। और ये जो तड़का है ये हम इस छोले के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा जो अमृतसरी पिंडी छोला है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये सबको बहुत पसंद आएगा। आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इसे खाने के बाद। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।